गाड़ी काफी दिन से बंद है। नहीं यार, परसों ही परसों लेके गया था। चेक इंजन की लाइट पे आ जाती है बैटरी लोगों ने, पर ऐसा भी होता है कुछ। बैटरी तो वो करके चले गए हैं स्टार्ट, कार को स्टार्ट करके तो चले गए जब स्टार्ट। और फिलहाल तो अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ भाई बाहर की, थोड़ा बहुत तो सही हो जाए इशू। लेकिन अभी इसमें वो कह के गए हैं कि बैटरी की वजह से जो चेक इंजन लाइट आई है ना, आप इसे चलाओगे 2000 RPM से ऊपर जाएगी बार बार तो वो चली जाएगी लाइट। लेकिन अब मैं वही चेक करने जा रहा हूँ कि जाती है या नहीं, और थोड़ी बहुत बैटरी भी अपने वापस लेवल पे आ जाएगी अगर ठीक है तो। लेकिन मेरे को बता के गए हैं कि शायद बैटरी थोड़ी बहुत खराब हो रही है, सेल जो है ना इसका बैटरी का जो टर्मिनल्स होते हैं उसमें से एक आधा टर्मिनल में दिक्कत आ रही है मेरे ख्याल से, और मतलब उनके ख्याल से कि उसमें ऊपर वाइट वाइट कुछ निकला हुआ है। तो शायद हो सकता है कि भाई कोई आधा एक आधा टर्मिनल उसका मेरे ख्याल से वीक पड़ रहा हो। तो अगर भाई वीक हुआ नेक्स्ट टाइम स्टार्ट नहीं होती, दिक्कत लेती है। वो कह के गए हैं कि अगर भाई नेक्स्ट टाइम आपकी गाड़ी जो है लंबा सेल्फ लेती है तो इसका मतलब आप समझ जाना भाई आपको अब बैटरी चेंज कराने की जरूरत है। तो मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है फिलहाल तो हो गई, और देखते हैं कि चार्ज वार्ज कर लेते हैं इसको, चला चलूंगे थोड़ी बहुत कि भाई हो जाती है तो ठीक है। पर ना भाई ये एक्साइड की बैटरी मैंने देख लिया यार, है थोड़ी सी ना कमजोर है। 3 साल तो देखो बैटरी को हो चुके हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इस पे वो देख के गया है फरवरी 2021 की लिखी है, और ये अगस्त 2021 की परचेज है कार की। तो अब देखो हो तो गया है टाइम काफी बैटरी को, तो देखते हैं बाकी अब रिजोल्व होता है इशू या नहीं। नहीं होता तो मजबूरन फिर बदलवानी पड़ेगी। अब थोड़े बहुत तो देखो खर्चे आते ही हैं, अब आपने कुछ हाथी पाला तो हाथी के खर्चे तो आते ही हैं थोड़े बहुत, तो यही है भाई अब। और बाकी हो जाए ठीक तो यार अच्छी बात है बहुत, नहीं होगी तो फिर तो मजबूरी है, अटकी जाती है भाई इंसान की, उसे करवाना ही पड़ता है फिर। मैंने 2500 RPM तक तो खींच दिया इसको, लेकिन अभी तक तो इसकी बैटरी हो ही नहीं, बैटरी कह रहा हूँ अभी तक तो इसकी चेक इंजन की लाइट गई नहीं यार। भाई देखते हैं भाई क्या इशू है यार, और भगाता हूँ इसको वीडियो में ही भगाता हूँ, देखता हूँ कि ठीक होती है नहीं होती। तो भाई 4500 RPM कर दी, 4000 कर दी, देखते हैं जाती है नहीं जाती। मेरे ख्याल से तो शायद रीस्टार्ट करने पे जाएगी जहां तक मेरे को लग रहा है ऐसा। और बैटरी का इसका इशू जो मेरे ख्याल से हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि भाई जेन्युइन हुआ है, क्योंकि पहले जो दिक्कत दे चुकी है ना कि भाई इसका रीडिंग नहीं पकड़ती मीटर में, मैं आपको पिछली एक वीडियो में बता चुका हूँ। और उसमें भाई क्या दिक्कत आती थी कि ये होता था कि मीटर की रीडिंग में पेट्रोल डलवाया पेट्रोल नहीं आ पाया, रेंज नहीं आ पाई, तो ये सब कैच नहीं कर पा रही थी। ये मेरे ख्याल से बैटरी की समस्या ही थी जो आज दिखी है मेरे को, ये बैटरी की ही समस्या थी। क्योंकि मेरे को इंडिकेशन मिला था शोरूम की तरफ से, सर्विस सेंटर की तरफ से, कि आप जो है जब पेट्रोल डलवाओ ना तो उसको बंद कर दिया करो गाड़ी को पूरा, और एक बार दरवाजा वरवाजा खोल के पूरा उसे रिफ्रेश हो जाएगा वो, तो तब पेट्रोल डलवाया करो। अब भाई हो सकता है ये यही इशू है कि भाई जो आज दिख रहा है मेरे को। तो बाकी चलो देखते हैं क्या आ रहा है, अभी तक तो देखो गई नहीं है लाइट, बाकी चली जाएगी यार उम्मीद तो ऐसी है चली जाएगी। भाई अभी गाड़ी बंद कर रहा हूँ, देखता हूँ स्टार्ट होती है या नहीं, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार दरवाजा वगैरह खोल के इसका। ये भाई कर दी बंद, अब स्टार्ट करता हूँ एक बार इसको। तो भाई चेक इंजन लाइट तो यार अभी भी आ रही है इसमें, स्टार्ट तो हो गई लेकिन चेक इंजन लाइट आ रही है, ये तो भाई समस्या है, ये तो देखना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है भाई। काफी देर बाद ऑन कर रहा हूँ इसको, अब देखता हूँ चेक इंजन लाइट गई है नहीं, वरना एक टर्मिनल निकालता हूँ बैटरी का। अरे ये तो चली गई, अरे कमाल हो गया भाई ये तो चली गई, रिफ्रेश हो गई। ऐसा है ना भाई आप कुछ देर तक अगर स्टार्ट रखते हो ना गाड़ी को तो वो रिफ्रेश नहीं होती। मान लो आपने अभी स्टार्ट रखा गाड़ी को और तुरंत आपने बंद करके मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर स्टार्ट कर लिया तो रिफ्रेश नहीं हो पाता ना टोटल सिस्टम। अभी लगभग मेरे को 15-20 मिनट हो चुके होंगे, शायद ज्यादा ही हो गए होंगे मेरे ख्याल से, तो इतनी देर में ऑलमोस्ट रिफ्रेश हो चुका है, इसलिए वो जा चुकी है लाइट फिलहाल। नहीं होती तो वरना तो भाई मैं अपना जुगाड़ लेके आ गया था भाई साथ में टोटल करने के लिए। और बाकी सही है यार, चलो अपने आप ही हो गया तो बढ़िया है। तो भाई अभी मैं इसको पहले तो ये करता हूँ, क्लीन करता हूँ इसको। इसको बैटरी को क्लीन करता हूँ। इसमें वो बता के गया है कि आपको एक सेल है उसमें वाइट वाइट निकला हुआ है, अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, देखते हैं वापस आता है या नहीं। क्लीन कर देता हूँ इसको तो एक बार फिर पता चल जाएगा कि अगर बैटरी सही में ही ख़राब है तो वाइट वाइट जो है वापस आएगा, तो क्लीन करके देख लेंगे एक बार।
नेक्स्ट टाइम जब करूंगा ना थोड़े बहुत टाइम बाद फिर देख लूंगा कि वाइट वाइट आया नहीं, अगर आ रहा है तो इसका मतलब बैटरी को रिप्लेसमेंट की जरूरत है। भाई रात का टाइम है, एक बार फाइनली चेक कर रहा हूँ कि अब स्टार्ट हो रही है नहीं। ऑलमोस्ट रात के कितने बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं भाई रात के ऑलमोस्ट। अनलॉक हो गई है, शीशे खुल गए हैं, पहले शीशे खुल बंद नहीं होते जब बैटरी लो थी। अंदर बैठ जाता हूँ क्योंकि मच्छर हैं बाहर बहुत, देखते हैं भाई हो जाए। ओम नमः शिवाय। हो गई भाई, हो गई, ओए हो गई, स्टार्ट हो गई भाई, शुक्र है भाई। बैटरी इसका मतलब अभी ओके है थोड़ी बहुत, क्योंकि काफी देर हो गई भाई इसको चार्ज करे, वो भाई जो चार्ज करके गए थे काफी देर हो गई इसको। भाई आपके सामने ही ऑन कर रहा हूँ, अनलॉक करी है, नेक्स्ट डे है फिलहाल। और मैं एक बार इसको वीडियो डालने से पहले फाइनल एक बार देखना चाह रहा था और वर्डिक्ट अपना दे दूंगा एक बार। तो भाई ये तो फ्यूल पंप चल गया, आवाज आ गई, सिस्टम चेक हो गया, स्टार्ट करें। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई स्टार्ट तो हो रही, मतलब बैटरी ठीक है, पता नहीं कैसे एकदम ड्रेन हो गई थी, माइनर सी ड्रेन हुई थी शायद, कि मतलब स्टार्ट नहीं कर पा रही थी बस। तो ऐसा तो भाई मेजर कुछ रहा नहीं है, तो मतलब ठीक ठाक है बैटरी अभी, ऐसा मेरे को तो लग नहीं रहा कि रिप्लेस करवाने की जरूरत है। बाकी होती है तो फिर तो देखो यार, सिर पे चोट पड़नी है तो फिर तो पड़ी जाती है। तो फिलहाल ठीक है, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, तो वर्किंग गुड। तो वीडियो में डाल रहा था तो सोचा कि मैंने भाई अभी एक बार इसको फाइनल शॉट ले लूँ। बिल्कुल नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे यानी 27 तारीख है, और 26 तारीख को हुई थी दिक्कत, 26 जुलाई को। तो अब ये मैं शॉट ले रहा हूँ फिलहाल, तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने स्टार्ट करा, हो गई स्टार्ट एक बार ढंग से। इंजन लाइट भी आ रही है, क्या हो रहा है,